वैशाली जिले के महुआ में हो रही महुआ महोत्सव में पहुंचे वैशाली डीएम यशपाल सिंह मीना एवं एसपी मनीष कुमार। वहीं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अर्चना कुमारी ने बताया कुछ खास बात। बताते चलें कि महुआ महोत्सव में अन्य तरह के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें एक स्टॉल अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी की भी है। अब शिक्षा पदाधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस स्टॉल के माध्यम से सरकारी स्कूल के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी, जिससे बच्चे प्राइवेट स्कूल ना जाकर सरकारी स्कूल आने के लिए जागरूक होंगी। महुआ से गिरजेश कुमार की रिपोर्ट। आसमान का क्या होगा पदाधिकारी और राजा पर भी मेरे प्रभार में मैडम, अभी जो महुआ महोत्सव समारोह किया गया है, इस पर जो है आपकी तैयारी क्या है? स्टॉल लगा है, स्टॉल में हमारे विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए पीएलएम सामग्री का स्टॉल लगाया गया है। टीचर लर्निंग के लिए बच्चों की शिक्षा दी जाए और बेहतर शिक्षा दी जाए। और हमारे लिए धारणा है कि हमारा सरकारी स्कूल प्राइवेट से कम है, उस तरह की शिक्षा दी जाए और बेहतर शिक्षा दी जाए। और इस पीएलएम के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने में काफ़ी सहूलियत होती है, उस प्रकार का टीएलएम हम लगाए हैं। और बच्चों को जो विभिन्न प्रकार की विद्यालय में योजना मिलता है, उसके बारे में भी हमारा स्टॉल लगा हुआ है। उसके बारे में भी लोग देख कर ही समझ सकते हैं कि हमारे सरकारी स्कूल में किस किस योजना से बच्चे लाभान्वित होते हैं, ये सब सुविधाएँ हैं। और कैसे हमारा ये पर्यावरण के बारे में भी बताया गया है कि पर्यावरण की सुरक्षा हम कैसे करें, नारियों का सम्मान हम कैसे करें, उसी के अंतर्गत हमारे यहाँ स्टॉल लगा है। मैडम, ये स्टॉल के माध्यम से जो है क्या कुछ जागरूक हो जाएंगे अपने महुआ की जनता? बच्चे जागरूक हो रहे हैं, बच्चा सारा स्टॉल छोड़ कर हमारे स्टॉल पर नहीं, बच्चे आते हैं और सीखते हैं, पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सभी लोग आकर के हमारे स्टॉल की समारोह के माध्यम से आप जो है महुआ वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं?